आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सके हैं। आज हम यीशु का अनुसरण करने और उनके शिष्य होने पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय का शीर्षक है, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। यह मत्ती 16 उसके 24वें पद पर आधारित है। ग्रेस, क्या आप इसे हमारे लिए पढ़ सकती हैं? बिल्कुल। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आपकी राय में शिष्य कौन है? देखिए, मूल रूप से एक शिष्य जो होता है वो एक सीखने वाला यानी कि विद्यार्थी या छात्र होता है। वो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की शिक्षाओं का पालन करता है और अपने शिक्षक के तरीके को अपनाता है। बाइबल के समय में ये एक आम सी प्रथा थी, खासकर धार्मिक मामलों में। यदि आप सीखना चाहते तो आप कॉलेज नहीं गए होते बल्कि किसी और के शिष्य बन गए होते। आपने बिल्कुल सही कहा ग्रेस, लेकिन बाइबल के अर्थ में शिष्यता सीखने और अपने अगुए का अनुसरण करने से कहीं अधिक है। शिष्यता 3 मुख्य सिद्धांतों पर चलता है। पहला, रिश्ते और परामर्श देना यानी कि मार्गदर्शन देना। अक्सर शिष्यता को गलती से केवल आत्मिक रूप से पूरी तरह से समझदार यानी कि परिपूर्ण लोगों के लिए ही माना जाता है। यदि हम नए नियम को देखें तो हम देखेंगे कि पौलुस बर्नबास और बाद में तिमोथियुस को अपने संरक्षण में लेता है, जो उसके अधीन अनुभवहीन विश्वासी हैं और उन्हें पूरी तरह से समझदार और प्रभावशाली मसीह बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। शिष्यों से रिश्तों का एक नेटवर्क यानी कि फैलाव बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो दोस्ती और मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करेगा। शिष्यता एक ऐसी मित्रता है जो मसीह केंद्रित है, जो मिशन यानी कि विशेष उद्देश्य और सुसमाचार के प्रचार पर केंद्रित है। दूसरा, शिक्षण। शिष्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षण है। हम में से प्रत्येक को सभी उम्र के लोगों को सिखाने के लिए बुलाया गया है, एक उपयोगी और विजयी मसीह जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सीखें, वचन का पालन करें, प्रार्थना करें और मसीह जीवन में आगे बढ़ें। अधिकांश चर्चों में बाइबल अध्ययन समूह होते हैं। इन समूहों का ध्यान नए विश्वासियों को बाइबल, प्रार्थना, आराधना आदि के क्षेत्रों में बुनियादी सिद्धांत सिखाने पर होना चाहिए। विश्वास की गहरी अभिव्यक्तियों को बाद में खोज और विश्वास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तीसरा बिंदु मैं जोड़ देती हूँ, जो है सेवा। याकूब 2 उसका 17 हमें बताता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हमें अपने विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार में लाने के लिए बुलाया गया है। जी हाँ, यह सेवा परियोजनाओं और मिशनों के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन यह सेवा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी सेवा हमारे जीवन और हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रतिदिन मसीह जैसे चरित्र के माध्यम से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, प्रेरित पौलुस गमलीएल का शिष्य था और बाद में उसके स्वयं भी शिष्य हो गए। पौलुस कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। प्रेरितों के काम उसके 22 और 3 में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी शिष्य थे, लेकिन बाइबल में शिष्यों के अधिकांश संदर्भ यीशु के शिष्यों के हैं, जो स्पष्ट है क्योंकि यीशु नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो उसने 12 शिष्यों का एक समूह चुना। हालांकि कुछ समय तक और भी शिष्यों ने यीशु का अनुसरण किया, लेकिन इन 12 व्यक्तियों का एक विशेष स्थान था। क्या आप कृपया मत्ती उसका 16-24 का संदर्भ समझाएंगी? जी जरूर। मत्ती 16 उसका 21 से 28 में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से
बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वे चौंक गए। पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। यीशु ने उसे डांटते हुए कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। पतरस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वह तो सोचता था कि मसीहा को मारा नहीं जा सकता। यह उसकी धारणा थी, परंतु सत्य नहीं। मसीह चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें दुनिया में बाकी सब कुछ त्यागने और आवश्यकता अनुसार कठिनाई और अत्याचार यानी कि उत्पीड़न सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो घटनाओं का सारांश अध्याय 16 में दिया गया है। फरीसियों और सदूकियों के एक समूह ने यीशु से आश्चर्यकर्म की मांग की। वो पहले ही कई आश्चर्यकर्म कर चुका था और उनके अनुरोध को ठुकरा चुका था। फिर वह अपने शिष्यों को इन धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं से सचेत रहने की चेतावनी देता है। फिर वह शिष्यों से पूछता है कि लोग क्या कहते हैं कि वो कौन है, साथ ही उनकी अपनी राय भी। पतरस का कहना है कि यीशु ही मसीह है और इसके लिए उनकी सराहना की जाती है। यीशु ने यह प्रकट करना शुरू कर दिया कि तीसरे दिन जी उठने से पहले उन्हें कष्ट सहना होगा और मार दिया जाएगा। यीशु को डांटने की पतरस की कोशिश का नतीजा विनाशकारी फटकार के रूप में निकला। यीशु फिर कहते हैं कि जो कोई भी उनका अनुसरण करेगा, उन्हें आत्म त्याग का क्रूस उठाना यानी कि अपना सब कुछ छोड़ना होगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका क्या मतलब है? अपने आप का इनकार करें, पापमय स्वयं, अधार्मिकता और सांसारिक अभिलाषाएं उसके पुराने पापी साथी जो उसका एक हिस्सा थे। इसका अर्थ अपनी खुद की धार्मिकता यानी कि स्वधार्मिकता से इनकार करना और स्वधार्मिकता से जुड़े सभी कार्यों को त्यागना भी है। इसे इस संसार के सुखों और लाभों तथा सांसारिक शान को भी त्यागना होगा और अपने प्रभु और स्वामी के लिए तिरस्कार, उत्पीड़न और मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं सोचना होगा। प्रसन्नता पूर्वक अपना क्रूज उठाओ, हर कष्ट और बुराई को धैर्य पूर्वक सहन करो। यह शर्मनाक और दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसे यीशु के शिष्य के रूप में इसके लिए नियुक्त किया गया है जिसके लिए उसे बुलाया गया है। उसे प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना होगा। इस प्रकार प्रभु के एक शिष्य को अनुग्रह, विनम्रता, धैर्य और आत्मत्याग का प्रयोग करते हुए उसका अनुसरण करना होगा। बहनों, हमें याद रखना है कि प्रत्येक मसीही का लक्ष्य मसीह जैसा बनना है। जब हम रोमियो 8 उसके 28 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के मन में यही बात होती है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमारे सभी शिष्यता के प्रयासों को इस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों को मसीह की तरह बढ़ने में मदद करना चाहते हैं। ये केवल सैद्धांतिक रूप से मसीहियत के सिद्धांतों को पढ़ाने से पूरा नहीं किया जा सकता है दोस्तों, बल्कि विश्वासियों को शिष्यों के रूप में विकसित होने में मदद करना। हमें न केवल उन्हें ये बताने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कैसे, बल्कि उन्हें ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे। प्रेरित पौलुस ने अपनी सेवकाई में शिष्यता के लिए इस दिखाओ और बताओ दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसीलिए वो कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरंथियों उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद में हम ये देखते हैं। वह एक शिष्य के रूप में अपने विकास में दूसरों को बढ़ने में मदद करने की जिम्मेदारी को निहित मानते थे। इसलिए उसने अन्य मसीहों को भी उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया जैसे वह मसीह का अनुसरण करता है। नेतान्या, आप कुछ शिष्य के लक्षण बताएंगे? जी हाँ, जरूर। ये कई चीजें हैं, आइए उन्हें बाइबल संदर्भों के साथ देखें। यीशु के समय में एक शिष्य और गुरु शिक्षक के बीच का रिश्ता शिक्षक और शिष्य दोनों की गहरी जिम्मेदारी और वफादारी था, और गुरु और शिष्य दोनों की विश्वसनीयता होती थी इस लक्ष्य के साथ कि शिष्य एक दिन गुरु बन सके। यह सबसे दिलचस्प बात है कि शिष्य शब्द
और अनुशासन शब्द एक ही मूल शब्द से आए हैं, जिसका अर्थ है पढ़ाया गया और सिखाया गया। हमें भी वैसे ही चलना है जैसे वह चला। शिष्यता का अर्थ है अनुशासन। शिष्य अपने अज्ञान, अंधविश्वास और पाप के साथ उद्धारकर्ता से शिक्षा, सत्य और क्षमा पाने के लिए आया है। अनुशासन के बिना हम शिष्य नहीं हैं। आइए अब एक शिष्य के कुछ लक्षण बताएं। सबसे पहले, शिष्य अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। यीशु के शिष्यों ने लगभग 3 वर्षों तक उसका अनुसरण किया। जब वह घूमता रहा, वे उसके साथ रहे। उन्हें एक साथ एक विवाह में आमंत्रित किया गया था, जैसा कि वे परिवार के सदस्य थे, जो वास्तव में यीशु उन्हें मानते थे। उन्होंने एक साथ धार्मिक पर्व भी मनाए। ये शिष्य यीशु के प्रति वफादार थे। भले ही यीशु को वह राजनीतिक सफलता नहीं मिली जिसकी वे शुरू में उम्मीद कर रहे थे, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसके 16 में लिखा है। जब यीशु को बंदी बना लिया गया तो शिष्य डर के मारे भाग गए, लेकिन इन दुखद और कठिन क्षणों में भी उन्होंने यह देखने के लिए यीशु का अनुसरण किया कि क्या हुआ, और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने एक साथ शोक मनाया। इस करीबी रिश्ते ने शिष्यों को यीशु के शब्दों और चमत्कारों और बाद में उनके पुनरुत्थान का उच्च स्तर का प्रत्यक्ष साक्षी बना दिया। नेतानिया, मैं तुमसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यीशु ने 12 ही शिष्यों को क्यों चुना? हमें मरकुस 3 उसके 13वें और 14वें में बताया गया है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वे उन्हें भेजे कि प्रचार करें। पहली शताब्दी के रोम में विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक नेता थे, जिनके सभी अनुयायियों का एक प्रतिबद्ध समूह था। यहूदी धर्म में समर्पित शिक्षार्थी एक रब्बी का अनुसरण करते थे। उनका अनुसरण करने वाले कई लोगों में से नासरत के यीशु ने 12 विशेष पुरुषों के साथ एक विशेष शिक्षक छात्र संबंध बनाया। हालांकि यहूदियों को ऐसे शिक्षक या रब्बी रखने की आदत थी जो होशियार यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यहूदी आस्था की जटिलताओं के बारे में पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें उस दृष्टिकोण का सामना नहीं करना पड़ा जिसका उपयोग यीशु ने अपने आसपास छात्रों या शिष्यों के एक समूह को इकट्ठा करने में किया था। तरीका यह था कि कोई रब्बी से संपर्क करता था और उससे शिक्षा पाने के लिए कहता था, लेकिन यीशु ने उसका उल्टा किया। उसने उन लोगों को चुनकर जिन्हें वह चाहता था और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, और जिस समूह को उसने चुना वो एक विविध समूह था। वे यहूदी धार्मिक नहीं थे। इसके बजाय उसने जिन 12 लोगों को चुना, वे विभिन्न व्यवसायों और विभिन्न सामाजिक स्तर से आए थे। यीशु ने पतरस और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसी तरह उसने और 2 भाइयों याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। रब्बी यीशु की पुकार सुनकर सभी 4 व्यक्तियों ने उनके शिष्य बनने के लिए तुरंत अपना जाल छोड़ दिया। अब वे पारंपरिक मछुआरे नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु के प्रशिक्षण के तहत वे ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो मनुष्यों के पकड़ने वाले बनेंगे। बहनों, सुसमाचार की कहानियों में हमने जो आश्चर्यजनक बातें पढ़ी हैं वो ये हैं कि जब यीशु ने इन लोगों को बुलाया तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जो वो पहले से कर रहे थे और वो उनके पीछे हो लिए। जी हाँ, यह कोई संयोग नहीं था कि उसने 12 को चुना। परमेश्वर के चुने हुए लोग इसराइली 12 गोत्रों में विभाजित थे, और जैसे ही यीशु अपने लिए नए लोगों को बुलाते हैं, वो 12 लोगों के साथ शुरुआत करते हैं जो एक नए इसराइल का आधार बनेंगे। इन लोगों को बुलाने में परमेश्वर की शक्ति स्पष्ट रूप से काम कर रही थी, लेकिन यह संदेहपूर्ण है कि क्या उन्हें पूरी जानकारी थी कि वे किस चीज में भाग लेने जा रहे हैं।
जब उन्होंने यीशु के शिष्यों के रूप में शुरुआत की थी। वे जानते थे कि उन्हें अपनी वर्तमान नौकरियां और उनके द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा छोड़नी होगी, लेकिन जब यीशु अपने सांसारिक जीवन के अंत के करीब पहुंचे तभी उन्होंने उन्हें शिष्यता की वास्तविक कीमत समझाई। ये सच है। अब आइए एक शिष्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा पर वापस जाएं। यीशु के शिष्यों को निजी शिक्षा मिली। मुझे इसे समझाने दीजिए। यीशु के प्रमुख कार्यों में से एक था लोगों को परमेश्वर के राज्य के आगमन का प्रचार करना, लेकिन आप सुसमाचार से देखेंगे कि उनके करीबी शिष्यों को अक्सर अतिरिक्त शिक्षा मिलती थी। शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई जो यीशु की आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया। यीशु की असली पहचान और उनके मिशन की उचित समझ होनी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें सभी राष्ट्रों को सुसमाचार का प्रचार करना था। मसीह शिष्यता का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सभी विश्वासी शिष्य हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 12 शिष्यों के पास अभी भी एक विशेष दर्जा था। वे यीशु के सेवकाई के प्रत्यक्ष साक्षी थे और उन्हें प्रेरित कहा जाता था। जो लोग बाद में विश्वास में आए उनके पास यह विशेष दर्जा नहीं था, लेकिन उन्हें भी शिष्य कहा जाता है, जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है। प्रेरितों के काम 11 उसके 26 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों को मसीही या क्रिश्चियन भी कहा जाता है। ये आजकल अधिक सामान्य शब्द हो सकता है, लेकिन दोस्तों वास्तव में प्रत्येक सच्चा मसीही यीशु मसीह का शिष्य है, और इससे भी अधिक यीशु अपने अनुयायियों को सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाने के लिए कहते हैं। ऐसा मती 28 उसके 19 में लिखा है। सुसमाचार फैलाने का तात्पर्य लोगों को ये सिखाना है कि वे अपने जीवन के सभी हिस्सों में यीशु का अनुयायी कैसे बने। क्या आपको एहसास हुआ है कि एक मसीही के रूप में ये आपकी बुलाहट है? बहनों, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मसीही के रूप में ये आपकी बुलाहट है? आइए आधुनिक शिष्यों की विशेषताओं पर नजर डालें, जैसा कि यीशु के सांसारिक जीवन के दौरान शिष्यों ने किया था। हमें भी यीशु का अनुसरण करना है, उनसे सबक सीखना है और उनके जैसा बनना है। यूहन्ना 8 उसके 31 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य हो। शिष्यों की एक और विशेषता उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम है और उनका आत्मिक फल पैदा करना है। ये व्यवहार यीशु के उदाहरण को दर्शाता है। बहनों, जो कोई भी यीशु का अनुसरण करता है वो भीतर से बदल जाता है। जी हाँ, शिष्य होने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये शिष्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिष्य बनाए जाते हैं, पैदा नहीं किए जाते। यदि शिष्य होने का अर्थ यीशु का अनुसरण करना है तो ये स्पष्ट सी बात है कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। बहनों, यदि हमें यीशु को पहले स्थान पर रखना है तो अन्य चीजें अब ये पहला स्थान नहीं ले सकती। हमारा परिवार, यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह से कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लूका 14 में यीशु क्रूस के और भी करीब आ रहा था। जो लोग कोई चमत्कार देखना चाहते थे या उनसे मुफ्त भोजन पाना चाहते थे वे उन्हें घेर रहे थे। भीड़ बहुत कम होने वाली है क्योंकि उन्होंने शिष्यता की कीमत निर्धारित करना शुरू कर दिया है, और यह कोई लोकप्रिय संदेश नहीं है। इसके लिए संपूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। लूका 14 उसके 25 से 34 में शिष्यता की कीमत का वर्णन किया गया है। बहनों, यीशु ने 5 स्पष्ट उदाहरण दिए और शिष्यता के बारे में सबक सिखाने के लिए प्रत्येक का उपयोग किया। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते हैं हम उन्हें क्रमांकित करेंगे। पहला उदाहरण है, यीशु के साथ बड़ी भीड़ यात्रा कर रही थी और उसने उनकी ओर मुड़कर, ऐसा लूका 14:26 में लिखा है, कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी मुझसे अधिक प्रेम रखता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जी हाँ, हमें इस पद को अध्याय के संदर्भ में लेना चाहिए,
यीशु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं और किसी भी अच्छे शिक्षक की तरह वह अपने छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस मामले में वह एक सत्य वचन से शुरुआत करते हैं जिसे समझना मुश्किल है, फिर वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं। सत्य वचन लूका 14 उसके 26 पद में है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी मुझसे अधिक प्रेम रखता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि अगर हम अपने परिवार से अधिक प्रेम करते हैं और उन्हें छोड़ नहीं सकते तो हम यीशु के शिष्य नहीं बन सकते, या फिर इसमें इसके अलावा कुछ और भी है। जी हाँ, एक शिष्य बनने के लिए हमें यीशु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्धता और विश्वास योग्यता की आवश्यकता होती है, भले ही हमारे माता पिता प्रभु का अनुसरण ना करना चुनते हो। और जब हमें परिवार के प्रति वफादारी के मुकाबले यीशु के प्रति वफादारी के दर्दनाक विकल्प का सामना करना पड़ता है तो हमें यीशु को चुनना होगा। भले ही हमारे परिवार के सदस्य हमें अस्वीकार करें, हमें मसीह का अनुसरण करना चाहिए। इसी अर्थ में हम अपने परिवार से कम प्रेम कर रहे हैं, उन्हें अप्रिय समझ रहे हैं। यीशु की इस आज्ञा के लिए हमें माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने संबंधों की तुलना में यीशु के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरा उदाहरण है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हम पहले ही क्रूस लेकर चलने और यीशु के पीछे चलने के बारे में बात कर चुके हैं बहनों। क्रूस को उठाने का अर्थ प्रभु के लिए हर कष्ट और बुराई को धैर्यपूर्वक सहन करना और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना है। तीसरा उदाहरण है लूका 14 उसके 28-30। यदि तुम में से कोई गढ़ मीनार बनाना चाहे तो क्या वो पहले बैठकर उसके मूल्य का ये देखने के लिए कि उसे पूरा करने के लिए उसके पास काफी कुछ है या नहीं हिसाब किताब नहीं लगाएगा? नहीं तो वो नींव तो डाल देगा और उसे पूरा न कर पाने से जिन्होंने उसे शुरू करते देखा सब उसकी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे, अरे देखो इस व्यक्ति ने बनाना प्रारंभ तो किया पर ये उसे पूरा नहीं कर सका। जी हाँ, दूसरे शब्दों में हमें मसीह का अनुसरण करने की कीमत पर विचार करना चाहिए। मेरे जीवन में सब कुछ मसीह के अधीन होना चाहिए। एक विश्वासी और मसीह के प्रेमी के रूप में मेरी पीड़ा और दुख का हमेशा एक उद्देश्य होगा। परमेश्वर इसे अच्छे के लिए पूरा करेंगे। चौथा उदाहरण है, इस बार ये एक राजा के लिए युद्ध में जाने से पहले अपनी सेना की गिनती करने की आवश्यकता के बारे में है। कौन ऐसा राजा होगा कि दूसरे राज्य से युद्ध करने जा रहा हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना वो कर सकता है या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मेल मिलाप करवा ले। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पांचवा उदाहरण, अब यीशु शिष्यता की कीमत समझाने के लिए नमक का उदाहरण देते हैं। नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऐसा लूका 14 उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है। हम अपने भोजन को नमकीन स्वाद देने के लिए हर दिन उसमें नमक का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर नमक स्वादहीन है तो हमारे भोजन पर छिड़कने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर और उसके लोगों के बारे में सच्चाई बताने के लिए यीशु को रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करना पसंद था। वह शिष्यों का वर्णन पृथ्वी के नमक के रूप में करता है, जैसा कि मत्ती 5 उसके 13वें पद में लिखा है। आज भी इस वाक्यांश का प्रयोग अच्छे, ईमानदार, विनम्र लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
बहनों, यीशु का शिष्य बनना सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकती हैं। यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध न केवल आपके सांसारिक जीवन के दौरान एक बड़ा आशीर्वाद होगा, बल्कि ये अनंत जीवन की ओर भी ले जाएगा। यीशु मसीह ने स्वयं प्रतिज्ञा की और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ऐसा यूहन्ना 10 और उसके 28 पद में लिखा है। याद रखें, यद्यपि शिष्यता महंगा है, लेकिन पुरस्कार कीमत से कहीं अधिक है। बहनों, हम एक और रोमांचक कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। क्या आप यीशु के शिष्य हैं? यीशु का अनुसरण करने से आपका जीवन कैसे बदल गया है? स्वयं का मूल्यांकन करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के अच्छे कार्यक्रम के लिए। प्रभु जी, होने दें कि आपका शिष्य बनना हमारे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य हो, ताकि हम आपकी अगुवाई में चल सकें। प्रभु जी, हम हमेशा याद रखें प्रभु जी, भले ही शिष्यता की कीमत महंगी है, परंतु उसका पुरस्कार बहुत मूल्यवान है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी दर्शक बहनों को शिष्यता का वरदान दें। इस प्रार्थना को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। इसे सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर एक आप मिस्ड कॉल कर दीजिए। अगली बार हम फिर से एक रोचक और जीवनदायक अध्ययन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर हम सभी के साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।